गुड मॉर्निंग, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CVS इंटर कॉलेज इट बहरागोर बस्ती। वंस अगेन आई एम प्रेजेंटिंग द थर्ड लेसन ऑफ क्लास 11th, डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज। यहाँ पर राजा टूथ की कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। आज हम उसके आगे बात करेंगे। स्टेरे पैसेज नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। कहता है, एन एंग्री विंड स्टार्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एशियंट एगप्टेन सिमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। एन एंग्री विंड स्टार्ड अप, एंग्री विंड मतलब तेज हवाएं। कह, जब राजा टूट को उसकी समाधि यानी मिस्र में जो उसकी कब्र बनी होती है, उस समाधि के क्षेत्र से जिसे राजाओं की घाटी का वैली ऑफ किंग कहा जाता है, इज नोन द वैली ऑफ किंग, जिसको राजाओं की घाटी कहा जाता है, यानी जहाँ पर मिस्र के राजाओं को दफनाया जाता है, वहाँ से जब राजा टूट की बॉडी को निकाला जाता है तो तेज हवाएं इस प्रकार चलती हैं मानो भूतों जैसे धूत के शैतान खड़ा कर देता है। डार्क ब्लिंड क्लाउड्स हैड स्काउडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे। कहता, काले रंग के बादल दिन भर तेजी हवाओं में उड़ते रहते हैं। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्ट इन कास्केट ग्रे, और अब तारों को सुरमई पटारी में छुपाए हुए हैं। इट वॉज 6 PM ऑन 5 January 2005। कहिए 5 जनवरी 2005 का 6 बजे का समय होता है। द वर्ल्ड मोस्ट ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू द सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मास्टरीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। जहाँ पर जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी सिर को सिटी स्कैनर में धीरे से अंदर लाया जाता है, और इस स्कैनर को उस युवा शासक की मृत्यु जो 3300 वर्ष पूर्व हुई थी उससे संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द कैंप्ड। तीसरे पहार मतलब तीसरे पहार श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए हुए पर्यटकों की सामान्य कतार चट्टान से कटे तंग जो है कह रहा कि तीसरे पहाड़ में श्रद्धांजलि देने के लिए जो आए हुए विश्व भर से पर्यटक थे उनकी कतार लगी हुई थी, और रोक का टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर रिस्पेक्ट। जहां पर 26 फुट के बने उस मकबरे की धरती में नीचे उसे उतारती रही है। द गेज्ड एट द मोरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टू ग्लाइडेड फेस। वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे तथा टूट के सोने के बने हुए चेहरे को भी देखते रहे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी सेप्ट आउटर कफिन लेट, जो ममी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था, और उसे ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना हुआ था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ पर्यटक
गाइडों में उसको पढ़ रहे थे, धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे आदर्श स्टूड साइलेंटली, और जो दूसरे लोग थे वो चुपचाप खड़े थे, परहैप्स पॉन्डरिंग टू अनटाइमली डेथ ऑफ हिज लेट टीन, शायद वो उसकी अल्प आयु में मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे, आर वॉन्डरिंग विद द सीवर इफ द फरो कर्स डेथ आर मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दूज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, या यह सोचकर कांप जाते थे कि क्या फेरों का श्राप वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उसकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर कोई मुसीबत आ सकती है, क्योंकि उस समय ऐसा ऐसी जो है अंधविश्वास की बातें थी, इसलिए वो लोग डरे हुए थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कैरेक्टर डिड इन द 1920 सेड जाही हावास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, कहता है कि जो कुछ कार्टर ने 1920 में किया उस कारण से यह मम्मी खस्ता हालत में है। मिस्र के पुरावस्तुओं की उच्चतम परिषद के महासचिव जाही हवास ने मृत शरीर पर बहुत देर तक देखने के बाद कहा, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए ला फर्स्ट लुक कार्टर हावर्ड कार्टर दैट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु वॉज इन 1922 डिस्कवर्ड टू स्टम्प आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, कहा कार्टर का अर्थ अंग्रेज पुरातत्व हार्ड कार्टर से था जिसने वर्षों तक निष्फल प्रयास के बाद 1922 में टुट का मकबरा खोजा था। इट कॉन्टेन द हिस्टलिंग रैंक स्केट ऑफ एंटीक्यू वॉज सरप्राइजिंगली कंप्लीट, उसके अंदर की सामग्री यद्यपि पूरा वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में छानबीन की गई थी, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से वो पूर्ण हुई थी। दे रिमेन इन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन इवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पैरो लेजेंड, वो राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह थे और फेरों की दंत कथाओं का अंग बने हुए थे। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन केज्ड असेसन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, करा खोज के समय सोने से स्तंभित करने वाली कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी, बट टुट वॉज ऑल्सो ब्रीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ बोर्ड गेम ए ब्रोनाइज रेजर्स लाइंड अंडर गारमेंट केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, का उन वस्तुओं की सस्वत चमक पुनर्जीवित की गारंटी देती थी, परंतु टुट को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ भी दफन किया गया था, अर्थात वे वस्तुएं जिनकी उसे अगले जीवन में आवश्यकता होगी, कौन कौन से पटखेल कांसे का उस्तरा लिनन के अंत वस्त्र भोजन तथा शराब की पेटियां, ये सब उसके साथ जो है वहां पर रखी गई थी दफनाई गई थी। आगे कहता है कि आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग द पैरो फ्यूनरी ट्रेजर कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिस्ट्री नेस्ट कॉफिन्स, फेरों की दफन की संपत्ति को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद
कार्टर ने उसके तीन कवचों में रखे उसके ताबूत की जांच करनी शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड द श्राउड एडॉर्न विथ गार्लैंड्स ऑफ बिलो एंड ओलाइव लीव्स वाइल्ड सेलरी लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स एंड फेडेड इविडेंस ऑफ द ब्रियल इन मार्च और अप्रैल। कर पहले को खोलने पर उसने एक कफन देखा जो बिलो, जैतून के पत्ते, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियाँ तथा कार्न फूलों की मालाओं से सुसज्जित थी और ये सूखे फूल पत्ते इस बात का प्रमाण थे कि अंत्येष्टि यानी उसका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो लगभग मार्च अथवा अप्रैल में हुई थी। When he finally reached the mummy, और वह अंत में जब मम्मी तक पहुंचा, he ran into trouble, तो वह मुश्किलों में फंस गया। He ritual resign had hardened, the ritual resign had hardened cementing tooth to the bottom of his solid gold coffin. कर अनुष्ठान के प्रयोग में प्रयोग की हुई किशमिश कठोर हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, व्हाट वाज टू बी डन। करटुट अपनी ठोस सोने की सौपेटी के तले में सीमेंट की तरह जम गया था। कोई भी उचित शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। इस बात को कार्टर ने बाद में लिखा कि क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन एगेप्ट। कहता है द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन एगेप्ट। मिस्र के सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर रहा था, यानी तेज धूप थी। कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, कार्टर जो है इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया। फॉर सेवरल हावर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेन इट टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट। का उसे मम्मी को बाहर झुलसती हुई धूप में इसलिए रखा जिससे वो 149 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म किया। फिर भी जो है बट नथिंग बगेट, कुछ भी हिला नहीं। ही रिपोर्टेड दिस साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चेल्सल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रीच द किंग्स रिमेंट। बाद में उसने वैज्ञानिक निर्बल भाव के साथ लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों तथा धड़ के नीचे से छेनी से काटना पड़ता था। आगे कहता है, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के बचाव में यह कहना था कि वास्तव में उसके लिए कोई चारा नहीं था। इफ ही हैडन्ट कट द मम्मी फ्रीज द थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड राइव्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो चोर निश्चित रूप से सोना पाने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स बर फेबुलसली वेल्दी, क्योंकि टूट के समय राजवंश जो थे वो विस्मयकारी से यानी आश्चर्य रूप से बहुत धनी हुआ करते थे। एंड दे थाट आर होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और ये वे सोचते थे अथवा ये आशा करते थे कि वे अपना धन अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वॉज लेवेस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स
precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets and ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and masks, all of pure gold. कह रहा है राजा तुट की दूसरी दुनिया में यात्रा के लिए उसे खुले दिल में चमकदार वस्तुएं दी, जैसे बहुमूल्य कालर, जड़ाऊ हार, दस्तबंद, उसके बाद अंगूठियां, ताबीज, अनुष्ठानिक चोगे, चप्पल, अंगुलियों के लिए अंगुस्ताने तथा उसके मूर्तिनुमा सौपेटिका तथा नकाब के लिए शुद्ध सोना था। द सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। कह रहा है कि टूट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने ममी का सिर तथा लगभग प्रत्येक मुख्य जोड़ को काट कर उससे अलग कर दिया था। Once they had finished, they resembled the remain on layer of sand in wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. करा जब वे अपना काम पूरा कर लिए तो उन्होंने अवशेषों की लकड़ियों के संदूक में रेत की परत पर फिर से जोड़ दिया और गद्दियों को टूट फूट को ढका, जहां पर अब टूट उसी बिस्तर में आराम कर रहा था। आगे जो है ये एक तरह से मैप है, जिसमें देखें ऊपर जो है न्यू किंगडम है, फिर सऊदी अरब है किनारे पर, उसके बाद नीचे देखें अफ्रीका दर्शाया गया है। मतलब ये मिस्र का पूरा जो है मैप है, जिसके जहाँ पर राजा टूट अपने राज को चलाता था, उसकी मृत्यु के बाद जो है यानी कार्टर ने उसके बारे में जो रिसर्च किया वो पाया और उसको इस मैप में दर्शाया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पार्ट को फिर एक्सप्लेन करेंगे। आप जो इसके मीनिंग्स होंगे उसको राइट करेंगे, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।